नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव आपका हरिजन एकेडमी में स्वागत करता हूँ। आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं आपको एमएसबीटी के एग्ज़ाम से रिलेटेड जो अपडेट है वो बताने वाला हूँ। मैंने कल एक वीडियो देखा यूट्यूब पे, जो यूट्यूब पे एक बहुत सारे लोग वीडियो अपलोड कर रहे हैं एमएसबीटी के एग्ज़ाम के बारे में कि ऐसे होगा वैसे होगा। और ये जो पीडीएफ दिख रही है, ये पीडीएफ में भी आप देख सकते हो कि अपने जो एमएसबीटी के डायरेक्टर हैं मोहित कर सर, उनको उन्होंने डॉक्टर मोहित कर सर उनको उन्होंने एक लेटर लिखा है, और लेटर में बहुत सारी बातें लिखी है उन्होंने कि अगर लॉकडाउन 30 तारीख तक है तो फिर आगे वाईफाई एग्ज़ाम्स कब होंगे, रिटर्न एग्ज़ाम्स कब होंगे, उसके बारे बाद में फिर अगर ये लॉकडाउन 2-3 महीने चलता है तो फिर क्या होगा, ये सारी चीज़ें। और फाइनल ईयर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वाले बच्चों को आगे कैरी ऑन दिया जाएगा क्या, फिर ये ऐसे 3 क्लॉजेस दिए उन्होंने ABCD, और फिर उसमें 30 अप्रैल तक है तो क्या होगा, ऐसी बहुत सारी बातें। फिर मैंने वो जो वीडियोस थे उन्होंने जो कमेंट्स थे वो भी पढ़े। मैंने कमेंट्स में लिखा था कि मेरा फाइनल ईयर क्लियर है लेकिन मेरा फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का कुछ तो बैकलॉग है या फिफ्थ सेम का बैकलॉग है तो क्या, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि हमको फर्स्ट ईयर टू सेकंड ईयर प्रमोट किया जाएगा क्या, सेकंड ईयर बच्चे बोल रहे हैं हमको थर्ड ईयर में प्रमोट किया जाएगा क्या। तो ये जो लेटर दिख रहा है आपको, ये लेटर बेसिकली ये लेटर में उन्होंने क्या किया है, एक मैं पहले बता देता हूँ, ये जो पॉलिटेक्निक कॉलेजेस है इनका एक एसोसिएशन है, इन्होंने क्या किया है, जो अपने डायरेक्टर है एमएसबीटी के उनको एक एप्लीकेशन किया है, और एप्लीकेशन में लिखा है कि सर ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा मतलब ये एप्लीकेशन है, ये ऐसे होगा ये कन्फर्म नहीं है, तो ये बात समझ लो आप, और मन से ये वहम निकाल दोगे कि कैरी ऑन मिल जाएगा, ये हो जाएगा। आप पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ाई करो, एग्ज़ाम अगर एमएसबीटी ने डिक्लेयर किया कि एग्ज़ाम होनी है तो आप फंस जाओगे, ठीक है। ये मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन है आपको, मैं इसके पहले मैंने जो वीडियो अपलोड किया था उसमें भी बोला था आपको कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, सर्टिफिकेट फ्री में बांटे नहीं जाएंगे, तो आपको पढ़ाई के ऊपर ध्यान देना है, ठीक है। अगर आपकी पढ़ाई पूरी हो चुकी है तो आप काम कर सकते हैं यूट्यूब पर, आपका जो कुछ भी इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट से आप एकादा कोर्स कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया था कि मैंने एक यूडेमी का कोर्स लिया है 450 रुपीज़ में, वैसे आप कोर्स ले सकते हैं। अगर किसी को वेबसाइट बनाने में इंटरेस्ट है या किसी को कुछ गिटार सीखने में इंटरेस्ट है तो दिन का 1-2 घंटा निकाल के आप उसको स्पेयर करके खुद का डेवलपमेंट कर सकते हो। अगर किसी को डिप्लोमा के बाद जॉब ज्वाइन करना है तो पावर पॉइंट सीखिए, एक्सेल सीखिए, एमएस ऑफिस के टूल सीखिए, ऑटोकैड भी आप यूट्यूब से पढ़ के देख सकते हो, सीख सकते हो। तो ये बाकी जो रूमर्स चल रही है ना उसको छोड़ दो और पढ़ाई के ऊपर ध्यान दो, ठीक है। अभी 3 मई तक वापस अपने प्राइम मिनिस्टर जी ने कहा है कि 3 मई तक लॉकडाउन है, लेकिन अगर 3 मई के बाद समझो एग्ज़ाम डिक्लेयर होती है तो फिर क्या करोगे आप, तो ऐसे मत करो, पढ़ाई पे ऊपर ध्यान दो, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नीचे देख सकते हो आप, यहाँ पे लिखा है जो प्रेसिडेंट है एसोसिएशन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ पॉलिटेक्निक्स, उन्होंने ये लेटर लिखा है उनको, ठीक है। और आगे के ये भी पता है कि आगे का एकेडमिक ईयर कब चालू होगा, क्या चालू होगा, ये ऐसी ढेर सारी बातें हैं। जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग रहती है सेकेंड ईयर वाले बच्चों को 1 महीने का, वो ट्रेनिंग ये साल नहीं होगा ऐसा उन्होंने ये किया है, और थर्ड ईयर में हम कवर कर लेंगे ऐसे उन्होंने एप्लीकेशन में लिखा है आपको। तो आप बेसिकली आप देखो अभी आपको क्या करना है, मेरा समझाने का आपको काम था, ठीक है। थैंक यू।